नवीन भाई अम्बेडकर नगर के रवि गुर्जर की संदेहास्पद मौत के मामले में खारघर पुलिस ने मृतक के दोस्त रोहित जाधव को हिरासत में लिया है। मृतक के परिजनों ने रोहित जाधव और उसके दोस्तों पर हत्या का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की थी। हालांकि हिरासत में लिए गए रोहित जाधव की मां और उसके रिश्तेदारों ने आज इस पर सफाई देते हुए सभी आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि रवि गुर्जर के घर वाले सिर्फ शक के बिना पर आरोप लगाकर उनके साथ मारपीट कर रहे हैं। मेरा भाई है वो, कुछ वो है ना, उसको ना हम लोग के बाजू में दो लड़के लोग रहते हैं, उनके साथ वो रहता था लड़का, वो है ना उनको लेके गए, बोल रहे कि हम लोग को कपड़ा बोल रहे कि शॉपिंग करने जाते, फिर शॉपिंग करने के बाद वो लोग आए मेरी चाची को बोल रहे कि मैंने है ना आपके बेटे को नया कपड़ा दिला दिया है, ऐसे बोल रहे है। मेरी जटानी रात को 3 बजे रास्ते पे ढूंढ रही, वो लोग मिले, दोनों भी मिले, उनको पूछा भी कि राहुल रोहित हमारा रवि तुम्हारे साथ में गया था, वो कहाँ पर है, तो बोलता है तुम्हारा रवि को मैंने अच्छे से कपड़ा लेके दिया और वो कहाँ गए मालूम नहीं, हम लोग ने कपड़ा कायम का लेके दे दिया और वो किधर गया हमको पता नहीं। अलग एरिया का इंसान, अलग एरिया के इंसान लेके वो साइन कर दिया, पोस्टमार्टम करवा लिया, हमको पता नहीं जब माँ पहुंची नहीं भाई पहुंचा नहीं, कैसा पोस्टमार्टम किया, कैसा पोस्टमार्टम किया मैं खुद पूछा, अभी मालूम पड़ा कि बालू भाले कर पोस्टमार्टम का साइन किया। कुछ उनके दोस्तों के साथ में बम्बई शॉपिंग करने गया था, तो वो लोग तो घर पे आ गए दोस्तों, लेकिन वो रवि घर पे नहीं आया और अचानक हम लोग उसको ढूंढ रहे थे, लेकिन हम लोग को अचानक गुरुवार के दिन मालूम पड़ता है कि खारघर में कोई डेड बॉडी मिली है। अब जिसके ऊपर हमें डाउट है, अगर वो हॉस्पिटल में पहला जाता है मतलब इसका कारण क्या है आप जान सकते हैं। हम लोग ढूंढ रहे हैं और वो खुद हॉस्पिटल में, उसको पता चलता है कि बॉडी किधर है। बस हमको यही कहना है कि जिसको ये पता है उसको अरेस्ट करें, तो अगर उस बॉडी के पास थे नहीं, बॉडी हमारी है तो पोस्टमार्टम किया किसने। अम्बेडकर नगर के रवि गुर्जर की संदेहास्पद मौत पर बवाल मच गया है। मृतक के परिजनों ने रवि के उन दोस्तों पर हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की है जिनके साथ मृतक रवि घूमने गया था। फिलहाल खारघर पुलिस ने पूछताछ के लिए मृतक के दोस्त रोहित जाधव को हिरासत में लिया है, लेकिन रोहित के परिजनों ने ऐसे आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने TV1 इंडिया के कैमरे पर सफाई दी है कि सिर्फ शक के बिना पर उनके बेटे को आरोपी बनाया जा रहा है और उनके साथ मारपीट की जा रही है। हिरासत में लिए गए रोहित के परिजनों ने मृतक के परिजनों के आरोपों पर क्या सफाई दी, आइए सुनाते हैं। वो तो मेरे को 5 दिन होने के बाद भी मालूम नहीं था। उस दिन दत्ता जी आए, बोले मेरे लड़के का थोड़ा सा काम है, वो हिसाब पे मैं पुलिस स्टेशन जब पूछा तो उधर पता चला कि बच्चों लोग को पूछता चालू था, वहां से कोई उनका लड़का आए, इतने हमारा पुलिस वाले का फोटो लिया और फोटो लेके उन लोग वहाँ पे फॉलो कर दिया कि भाई इन लोग पुलिस वाले के साथ बैठ के मांडोली कर रहे, ऐसे हमारे समाज में सब मेरी बदनामी कर दी। दूसरी बात ये रही कि मेरे को उस दिन फिर दूसरा एक न्यूज आया, ऐसा पनवेल हॉस्पिटल में जाके एक नाम पे 2 लाख रुपया उधर भी तू खाया और 2 लाख रुपया खाने के बाद तू उधर साइन किया और बॉडी रफा दफा करने के पीछे था। जो आरोप किया गया कि बालू भाले करने 2 लाख खाया, उसका पुरावा लाके हजर करो, पुलिस स्टेशन में करो, हॉस्पिटल में करो, कोर्ट में करो, जितनी भी दिन करना है करो। ये बॉडी के हमारा जाने आने का कोई मतलब नहीं था ना, मैं गया वो उधर CCTV कैमरा लगा हुआ है वहाँ पे वो चेक करने का, और चेक करने के बाद जो गलत निकलूँगा मैं तो मेरे ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और जो हम लोग को फंसा रहा जिसने ये 3 औरत है, कोई प्रूफ नहीं, आरोप मेरे ऊपर कर रही, उनके ऊपर पुलिस को तुरंत कार्रवाई करना चाहिए। मेरी बात एक ही कहनी है, अगर जो वो हत्या रहेगा, हत्या अगर उसने की है तो उनको सजा मिलनी चाहिए, नहीं की होगी तो खाली फुकट आरोप लगा के ये वो कह के कुछ फायदा नहीं है। मैं भी उसकी माँ हूँ और जो बच्चा गया है वो भी वो उसका एक माँ का ही बच्चा था, क्यों कि वो बच्चे के लिए मुझे भी बहुत, मेरी भी आत्मा बहुत तड़पी है कि उसने ठीक से घर आ जाना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद जब मेरा बच्चा कस्टडी में, उसके बावजूद मैं इनसे कह रही हूँ कि जो भी आएगा मेरे बच्चे को आप सजा दीजिए, फांसी दीजिए या जिंदा जला डालिए। हम लोग को पूरा परिवार पे के 2 लाख रुपए दे रहे, ऐसे ले रहे, ऐसे दे रहे, डॉक्टर को खिला रहे,
ये सब आरोप है। इस वजह से मुझे ये न्याय चाहिए। अगर मेरा बेटा ने गुनाह किया है तो उसे गुनाहगार ठहराइए, अगर नहीं किया है तो उसे बाहर निकाले और जिसने भी मेरे पे हाथापाई किए उनको कस्टडी में लीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।